यार मम्मी बहुत भूख लग रही है। क्यों मम्मी, इसमें जहर था क्या? तेरे बाप ने भी कभी हिम्मत की है कि टोकरी खोल के मिठाई खाने की? क्या मम्मी, यहाँ से मिठाई तो खाई है। एक टाइम के लिए अगर मेहमानों के प्लेट से खाता ना तो भी कुछ नहीं बोलती, ये तो तूने मेरी टोकरी खोल के मिठाई खा ली। सारा दिन ये यूट्यूब पे अनबॉक्सिंग देख देख के जिधर किधर अनबॉक्सिंग करना शुरू हो जाते हो। किस लिए होती है टोकरियाँ? खाने के लिए नहीं, रिश्तेदारों में बांटने के लिए होती है दिवाली पे, पागल के बच्चे। अगर तू ये टोकरियाँ खोल खोल के खाता रहेगा ना तो हमारी साइकिल टूट जाएगी। लेकिन मम्मी मेरे पास तो स्कूटर है। अबे जाहिल, वो साइकिल नहीं, रिश्तेदारों को टोकरियां देने वाली साइकिल। क्या बोल रहे हो मम्मी? अगर तू ये टोकरी खोल के खा लेगा तो मैं दिवाली पे अपने रिश्तेदारों को क्या दूं और वो अपने रिश्तेदारों को क्या देंगे? और अगर उन्होंने अपने रिश्तेदारों को नहीं दी तो ये रिश्तेदारों में घूमेगी कैसे? और अगर नहीं घूमी तो हमारे पास वापस कैसे आएगी? और तू चाहता है कि मैं दिवाली पे अपने खटारे रिश्तेदारों को ये टोकरी बनवा के दूं? तेरा बाप तो वैसे देता है नहीं। और तेरे को पता भी है ये टोकरी कितनी कीमती है? पुश्तों से चलती आ रही है हमारे घर में। याद नहीं है 5 साल पहले तेरी वो खटारी बड़ी बुआ को दी थी और मैं अपने मायके से लाई थी? मेरे मामा ने मुझे ये टोकरी दी थी और मेरे मामा को तेरे बाप के दादा ने दी थी और उनको उनके परदादा ने दी थी और उनके परदादा को अंग्रेजों ने दी थी। हाँ? अंग्रेज तो नहीं तो क्या, जब अंग्रेज इंडिया आए थे तभी ये टोकरियां लाए थे अपने साथ और तब से ये टोकरियां आज तक चलती आ रही है हमारे घर पे। और तो साइकिल खराब करने चल, ये ही इधर उधर की टोकरियां घुमा फिरा के ना मैंने अपनी इज्जत कमाई है। यार मम्मी कभी तो खाने दिया करो। अपनी सोनू पाई को बोला खिलाएगी तेरे को अपनी नान खटाई। चल अब जा, ये पैक करवा क्या, और वो जो नीचे गिरी हुई है मैं वो खा लूंगा मम्मी, मेरे को चलेगा। अबे सब पेट का मुक्का मारूंगी ना, जोर से जो खाया है ना वो भी निकल आएगा। ये जो नीचे गिरा है वो डब्बे में डाल और जो ये दांतों और मसूड़ों में लगा हुआ है ना वो भी निकाल के डब्बे में डाल। पैक करवा क्या, 10-20 ग्राम डलवाना ऊपर से जैसे नया लगे। डेयरी मिल्क खाने की औकात नहीं है, टोकरियां खोल के खाएंगे। ओए उठो जल्दी, सफाई करनी है दिवाली की, छोड़ो फोन। मम्मी पहले आप तो फोन रखो, माँ से जबान लड़ाती है। अरे यार मम्मी पूरा लॉकडाउन 6 महीने सफाई तो की है। जाना नहीं सिमरन, जल्दी सफाई कर। जा नहीं, चल उठ, तू भी सफाई करेगा। मैं कैसे सफाई कर सकता हूँ? क्यों मम्मी, मेरे को अलाव नहीं है ना। ऐसे क्यों? अरे मैं 14 साल से छोटा हूँ ना, तो चाइल्ड लेबर हो जाएगा। दिमाग से तो 14 साल के नीचे होगा लेकिन तेरे को पैदा मैंने ही की है। चल मम्मी देखे, हाँ ये जबरदस्ती हो रही है, मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा। ओले ले ले, मेरा बेटा पुलिस को फोन करेगा, इतना बड़ा हो गया है, उठता है कि दूसरी चप्पल फेंक के मारूं। चल तेरा बाप भी करेगा सफाई। मम्मी मेरे पास ना बहुत बढ़िया स्कीम है। मम्मी एक काम करते, जितना भी काम है ना सिमरन को दे देते, तब तक ना मैं क्या करता हूँ आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के आता हूँ अदरक वाली, हम दोनों बैठेंगे मजे करेंगे, सिमरन को काम दे देते। हाँ ये बढ़िया बात बोली है तूने, एक काम करते हैं, उसको बोलते हैं टेरेस भी तू ही साफ कर और ग्राउंड भी उससे ही साफ करवा देते हैं। वैसे कल तेरा ऑनलाइन क्लास है? हाँ है ना। नहीं 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 है। क्यों? फिर बेस्ट है, एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तर बांध और घर से निकल जा। काम चोर कहीं का अपने बाप के जैसा, रोटियां तोड़नी है फोकट की, निकल और सेठी साफ कर। चल अबे ओ, मेरी 10,000 वाली न्यू ड्रेस। यार मम्मी मेरी ड्रेस सेठी में किसने रखी? अरे तूने अपने बिस्तर पे छोड़ दी थी इसीलिए मैंने संभाल के सेठी में रख दी। मैंने ये डेट के लिए खरीदी थी, इस वजह से मैं डेट पे नहीं जा पाई थी, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को छोड़ के भाग गया। अरे मेरा फोन मम्मी सेठी में कहाँ से आया, मुझे लगा ये चोरी हो गया था। तूने ना अपना मोबाइल टेबल पे रख दिया था, चोरी हो जाता तो, इसीलिए मैंने संभाल के सेठी में रख दिया। अरे यार इस चक्कर में मैंने अपने चोर जैसी शक्ल वाले दोस्त को जेल में डलवा दिया था। अब ये चाबियां किसकी है? अच्छा ये हमारा ना मायामी में बंगलो है उसकी चाबी है। मायामी? तुम्हारे बाप ने जुए में जीता था। हमारा मायामी में बंगलो है? हम इतने अमीर हैं? अबे मैकबुक,
दो मैकबुक, ये कहाँ से है? ये तो तुम्हारा बाप तुम्हारे बर्थडे पे लाया था, तो मैंने संभाल के सेटी में रख दिया, मुझे लगा तुम लोग खराब कर दोगे। बाप देवता इंसान है। अबे ये बच्चा किसका है? वो मेरा नहीं है। अरे वो उस दिन शर्मा जी की लड़की आई थी, बोला मेरा बेटा थोड़ी देर संभालो, तो मैंने संभाल के सेटी में रख दिया, तो वापस देना ही भूल गई। दो दे के आऊं। ये क्या है? ये कौन है? जादू? यार मम्मी, मेरे बॉयफ्रेंड को सेटी में किसने रखा? ये तुम्हारे पीछे भी आया था घर पे वैलेंटाइंस डे पे, जो लगा तुम्हें छोड़ नहीं दे, क्या करें तुम हो ही ऐसी, तो इसीलिए मैंने संभाल के सेटी में रख दिया। अरे जादू रुक, सेटी है कि डोरेमोन का पॉकेट? देखता हूँ कोई मेरे लिए तो लड़की छुपा के नहीं रखी है मम्मी ने। आईडी का क्राइम इन्वेस्टिगेशन है, लास्ट छोड़ के पुलिस से मार्किंग करके चली गई। ये टट्टी किसने की है? 2 साल से मुझे सपने में जादू की गंदी हंसी, आशु के ताने और मीमर्स के मीम्स आते हैं, बस अब और नहीं। अब तो मैं उनको दिखा के रहूंगी। I knew I could do it. इसमें वो बात है। मामा would be so proud. मामा को दिखाती हूँ। नहीं, पहले आशु और जादू को फोन करूंगी। ओह हेलो, अब्बी का अब्बी मेरे घर के नीचे आओ। लास्ट टाइम मेरी बेइज्जती की थी ना? क्या बोला था? डोरेमोन की टट्टी, क्राइम सीन। अभी आओ, दिखाती हूँ क्या रंगोली बनाई है मैंने। और रंगोली देख के शौक में तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कान से नहीं निकला ना? अरे कान, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कान से नहीं निकले ना, फिर बोलना। अभी आओ जल्दी। अरे तब तक इंस्टाग्राम के लिए फोटो लेती हूँ। हैप्पी दिवाली सिमरन, कैसा लग रहा है तेरा भाई? लौंडा लग रहा है कि नहीं भाई? फोटो निकाल। फिर से ऐसा लग दिया तूने। कैसे तो डबल टट्टी है। नहीं नहीं, तूने ऐसे कैसे बोला? डबल टट्टी नहीं, सॉरी सुमन, डबल टट्टी। ये टट्टी है, किसने पैर रख दिया? मुने मेहनत कैसे हंसते नहीं। हर साल इतना टैलेंटेड रंगोली बनाने का जो टैलेंट है वो सिमू में ही है। वो क्या ऐसे डब्बे में कलर पड़े होंगे तो सिमू से ऊप सॉरी करके रंग गिरा दिए होंगे, उसमें मेहनत तो लगती है ना, ग्रेविटी की मेहनत लगती है। हाँ सॉरी सॉरी, यार साल लगता है डोरेमोन के साथ नोबिता भी हक्के गया है। नेक्स्ट सुजुका है कि सुजुका? एक बात बता, मेरी दाढ़ी आ गई, 2020 आ गया, कोरोना वायरस आ गया, साला ट्रंप प्रेसिडेंसी से निकल गया, लेकिन तेरी रंगोली अभी भी वैसी की वैसी है। ओ भाई मारो, ओ भाई मारो, मारो। नहीं वो रंगोली उड़ रही है भाई, मारो मुझे मारो। तेरे को पता है ये रंगोली इतनी जबरदस्त है, मतलब पिकासो ना कब्र से उठेगा, फ्लाइट पकड़ के उल्लासनगर आएगा, तेरे को चमाट मारेगा कि ये आर्ट के नाम पे जो तूने धब्बा डाला है ना ये। भाई मेरा वॉचमैन जब पेंट करके किसी कपड़े पे पोंछता है ना, फिनिशिंग करता है, वो कपड़े पे इससे अच्छी डिजाइन बनती है। अबे तेरे को पता है मेरी बहन का बेटा जो उल्टी करता है, उसमें जो पटाखे के पीस निकलते ना, उसका डिजाइन भी रंगोली से अच्छा। अच्छी बना लेना। Wish you all a very happy Diwali. Have a very safe and prosperous Diwali. बाकी तो आपको पता है, like करो, comment करो, share करो, subscribe करो, channel को 1 million पहुंचाओ guys. And मुझे comments में सच्ची सच्ची बताओ, कसम है आप लोगों को, कि आपका favorite part कौन सा था video में से, कोई भी dialogue, favorite part, जो भी. And thank you so much for watching this video. See you guys in my next video. Bye.